الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الأذى؟ قالوا: الله ورسوله عالم قال: نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسد بينهم. رواه البخاري في الأدب المفرد والبهقي في السنن وذكره الألباني في الصحيحة حديث بہت أهمية کی حامل ہے اور بڑی بات ذکر کی گئی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار لوگوں سے پوچھا تم لوگ اضح کو جانتے ہو عین بعد ہے لوگوں نے کہا अल्लाह बेहतर जानता है उसके रसूल बेहतर जानते हैं हमें क्या मालूम क्या, क्या मतलब था आप बताएंगे तो पता चलेगा लोगों को लफ्ज का माना तो मालूम ही होगा लेकिन जब रसूल अक्रम ये पूछे कि क्या तुम इस लफ्ज का माना जानते हो तो उन्होंने ये समझा कि शायद रसूल अक्रम इसका माना कुछ और बताना चाहते हैं इसलिए कहा अल्लाह रसूल आलम अरबी में लगत के एतबार से नित ही जबरदस्त किस्म के जहरीले सांप को कहते जिसको कहते ना हमारे यहां कि ऐसा सांप है कि इसका काटा पानी नहीं मांगता यानी इतनी मोहनते नहीं मिलती उसको कि वो बचे इधर उसने काटा और उधर वो गया इतना तेज जहर बसूल अक्रम सल्हसम ने इसी लफ्ज को इस्तेमाल करके फरमाया कि तुम जानते हो कौन है तो लोगों ने कहा अल्लाह रसूल बेहतर जानते हैं हम क्या जाने आपने फरमाया कि ये जहरीला सांप लोगों के दरमियान वो है जो इधर की उधर लगाता रहता है चुभलखोर इधर की बात उधर लगाकर लोगों के दरमियान फितने फसाद पैदा करता है शरीयत की निगाह में यह निहाय दर्जा जहरीला सांप आपने चोलखोरी की कबाहत उसकी बुराई और इस्लाम में उसका क्या दर्जा है जान लिया ना एक बात और समझे किसी की बात किसी से कह देना अगर मकसद यह है कि इन दोनों में लड़ाई हो जाए नफरत हो जाए बदगुमानी बढ़ जाए बोलचाल बंद हो जाए तो ये है असल वो बीमारी है। लेकिन इसकी बात उससे कह देना प्यार मोहब्बत के लिए इनमें बदगुमानी है बदगुमानी को दूर करने के लिए मैं कोई ऐसी बात कहूं कि बदगुमानी दूर हो जाए तो ये महमूद है चाहे झूठी बात हो इस्लाम में इसको जायज रखा गया है हालांकि झूठ इस्लाम में बहुत ही बड़ा गुना है शिर के बराबर एक हदीस में उसको जिक्र किया लेकिन दोनों को मिलाने के लिए अगर आप कोई ऐसा झूठ बोलते हैं जिससे दोनों के दरमियान उल्फत पैदा हो जाए लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए बदगुमानियां नफरतें अदावतें खत्म हो जाए तो इस्लाम ने इसको जायज रखा है एक बुजुर्ग के वाक में लिखा है कि एक आदमी ने आकर उनसे एक आदमी के बारे में कहा कि वो आपके बारे में ऐसा ऐसा कह रहा था क्या कह रहा था बुराई कर रहा था गाली दे रहा था तो उन्होंने कहा शैतान को तेरे अलावा कोई और डाकिया नहीं मिला बुजुर्ग ने क्या फरमाया कि तू शैतान का डाकिया है अरे उसने कहा था मेरी गैर मौजूदगी में कहा था मुझे मालूम नहीं था अब वो बात लाकर तू मुझे बता रहा है ताकि मेरे दिल को खराब करे और मुझे गुस्सा दिलाए ताकि मैं भी इंतकामी कार्रवाई करते हुए उसके ताल्लुक से ऐसे ही ऑल फॉल बकूं गाली गलोज करूं इल्जाम तराशिया बोतान बाजिया करूं कितनी बेहतर बात कही क्यों कही शैतान के डाकिए मत बनो ये शैतान का डाकिया एक और बुजुर्ग उनसे एक आदमी ने आके खोरी की किसी और आदमी की आपके बारे में ऐसा ऐसा कह रहा था गाली दे रहा था मुझे तो बहुत गुस्सा है आमतौर पर लोग ऐसे ही कहते हैं उनका सुन उसने मुझे गाली नहीं दी थी क्योंकि तो मैंने सुना नहीं उसे मुझे पत्थर मारा था लेकिन मुझे लगा नहीं लेकिन तू इतना बड़ा मुजरिम है कि तूने पत्थर उठा के मुझे मारा और वो मुझे लगा भी तो ये चौलखोरी की आदत बहुत बुरी आदत है बुजुर्ग ने फरमाया कि उसने गाली नहीं दी मुझे गाली तो तू दे रहा है क्योंकि उसने जो कुछ कहा मेरे पीठ पीछे कहा मुझे पता नहीं था मैंने नहीं सुना मुझे नहीं मालूम उसका कोई असर नहीं था मेरे ऊपर तूने आकर वही गाली मेरे सामने दी तू तो उससे बड़ा मुजरिम है कि तू मेरे सामने बैठकर मुझे गाली दे रहा है अगर आप इसी अंदाज से इन चुगल खोरों को खामोश करें तो आप कामयाब हो सकते हैं और चुगलखोरी से दूर रहें कभी इधर की बात उधर फसाद की नीयत से ना लगाएं असलकम वह वर्क ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें